प्रिया हाँ? आज मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, प्लीज तुम रेडी रहना। क्यों, कहीं जाना? हाँ यार, मैं एक दोस्त है ऑफिस वाला, बहुत दिन से मुझे पार्टी के लिए घर पे इनवाइट कर रहा था और मैंने आज हाँ ही किया। ठीक है, बाय। आज एक नया गेम खेलते हैं। क्यों साहिल? हाँ बिल्कुल। कौन सी गेम खेलने की बात हो रही है? हाँ मुझे भी बताओ, बताओ ना। रोमा तुम्हें याद है हम पहले की हर पार्टी में गेम खेला करते थे? जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे को एक सवाल पूछता है और उसका सही जवाब उसे देना होता है। अगर उसने सही जवाब नहीं दिया तो सजा के तौर पे उसे हर बात माननी पड़ती है। मजा आएगा, चलो ना स्टार्ट करते हैं। चलो तुम ही जो शुरू कर दे। ठीक है। अच्छा बताओ, शादी के बाद तुमने कभी किसी को किस किया? यस। किसे? अच्छा ठीक है, अब दूसरा सवाल प्रिया तुमसे, क्या शादी के बाद तुमने कभी किसी के साथ सेक्स किया? ये कैसा सवाल है? बोलो। नहीं। गलत जवाब, तुमने साहिल के साथ तो किया होगा ना। फंस गई प्रिया। अब सजा के तौर पे तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा। कम ऑन प्रिया, करना तो पड़ेगा, हार गई हो तुम। कम ऑन प्रिया, गेम है, चलता है। चलो उठो, चलो कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन प्रिया। चलो चलो चलो, कम ऑन। बस कुछ नहीं मामू, पढ़ रहा हूँ। दिखाओ तो, मैं भी तो देखूं क्या देख रहे हो। ये क्या कर रहे हो मामी? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? बस थोड़ा। झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम चुपके चुपके मुझे देखते रहते हो। बहुत पसंद करते हो ना मुझे? ऐसी कोई बात नहीं है मामी। झूठ मत बोलो, मैं सब जानती हूँ कि तुम मुझे कितना पसंद करते हो। और वैसे भी तुम जानते हो ना, तुम्हारे मामा जी के साथ मेरी शादी मजबूरी में हुई है, और मैं तो तुम्हें पसंद भी करती हूँ। हाँ मामी, ये बात तो है, आप इतनी सुंदर और मामा जी कुछ भी नहीं, आप उनके साथ जचते रहिए। तो क्या कहते हो, मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ ये दोस्ती तो करूंगा, पर मुझे थोड़ा डरता हूँ। अब तो डर नहीं लग रहा है ना? अरे मेरी सोना, मेरा बैग तो कहाँ है? हाँ बस लाई, एक मिनट। ये लीजिए आपका बैग, संभल कर जाएगा और अपना ध्यान रखिएगा। इतना ख्याल है मेरा। अरे मेरी सोना, अपना भी ख्याल रखना। हाँ बाय बाय। टाइम पे खाना खा लीजिएगा और पहुंचते ही मुझे फोन कीजिएगा। ओके, मिस यू। Bye. Bye.
क्या हुआ, इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो? चलो ना, पार्टी में जाना है आपको। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। क्या पसंद नहीं है? तुमने देखा नहीं उस दिन? अरे पापा, वो सिर्फ एक गेम था। चलो ना, प्लीज चलो यार, प्लीज चलो ना, रेडी हो जाओ। बहुत अच्छा लगा यार, भाभी को लेकर आया। अरे आप बुलाओ, हम ना ऐसा हो सकता है क्या? रोमा तो कब से वेट कर रही थी। बिल्कुल, एक बात बताऊं, मैं यहाँ आता हूँ ना तो मैं कभी कभी रोमा भाभी को भी देख लेता हूँ। वैसे भाभी उस दिन नाराज हो गई थी उस पार्टी में। क्यों भाभी? अभी आप नाराज तो नहीं है ना? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पक्का ना भाभी? अरे बिल्कुल, टेंशन मत लीजिए। तो एक शायरी सुना दूं आपके लिए? बिल्कुल, जरूर जरूर इरशाद। तो सुनो, नजर हो गए या नजर हो गई है, निगाहों से हमको खबर हो गई है। नजर हो गए या नजर हो गई है, निगाहों से हमको खबर हो गई है। मासूम सी सूरत, ये भोली सी जुल्फे, बदली ने जैसे चंदा को घेरा, कहती है दुनिया जिसको मोहब्बत, छुपाओ ना हमसे अगर हो गई है। नजर हो गई है, नजर हो गई है, निगाहों से हमको खबर हो गई है। ये बहुत मजाक है, ऐसे ही सुनाते रहते। आज एक नया गेम खेलते हैं। गेम? कौन सा गेम? वाइफ एक्सचेंज। वाइफ एक्सचेंज मतलब? मतलब तेरी बीवी मेरे साथ और मेरी बीवी तेरे साथ। क्या सोच रहा है? नहीं यार, नहीं, प्रिया नहीं मानेगी। वैसे ही वो पिछले गेम से इतना नाराज थी और आज लाया हूं ना, बहुत मुश्किल से लाया हूं। अरे तो प्रिया को इस गेम के बारे में बताने क्यों है? मतलब? मतलब आज की ड्रिंक हम प्रिया की बहुत हार्ड बनाएंगे ताकि उसको नशा हो जाए और उसके बाद हम अलग अलग कमरे में अलग अलग लोग चले जाएंगे। कैसा लग रहा है प्लान? एकदम परफेक्ट। क्यों, क्या बोलता है? क्या सोच रहे हो यार? बस सोचना पड़ेगा। तुम्हें मेरे साथ अच्छा लगेगा? अरे खत्म हो गई क्या ड्रिंक? मैं बनाती हूँ एकदम बढ़िया से ड्रिंक। एक सिप में सारा सर दर्द है मुझे। अरे
संजय साहिल हेल्प ना आई थिंक चल परेशान लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं बस ऐसे। राहुल मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो। चलो छोड़ो ये सब, पार्टी करते हैं। अरे अभी कुछ नहीं करना, मेरा कुछ करने का मन। Let's dance। चलो चलो चलो, come on come on। Let's dance now please, come on, come on राहुल let's dance। नहीं करना मुझे dance, और please तुम मुझसे दूर रहो, ठीक है ना? तुम्हारी वजह से मैं पहले भी दो बार फेल हो चुका हूँ। What? ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरी वजह से? Listen Rahul, दोस्ती हम लोग ने मिलके की थी, मैंने अकेले ने नहीं। हाँ ठीक है जानता हूँ, पर मैं ये सब करने नहीं आया हूँ, मुझे अपना करियर बनाना है, ठीक है? प्लीज प्लीज मुझसे दूर रहो। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। नहीं तो क्या करोगे तुम? मैं तुम्हारे मामा जी को जाके सब कुछ बता दूंगी कि उनके जाने के बाद तुम मेरे साथ जबरदस्ती करते हो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं कुछ भी कर सकती। अच्छा तो करो, जो करना है तुम्हें वो करो। राहुल राहुल, सुबह क्या बोल के गए तुम? मुझे छोड़ने की बात कर रहे थे ना? अगर मुझे छोड़ने की सोची भी तो ये जो वीडियो है ना, वो तुम्हारे मामा जी को और पूरे घर वालों को दिखा दूंगी। आहा, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा ये। मम्मी वीडियो देखो, मुझे डिलीट करो वो वीडियो। सोच लो, सुबह तक अगर भूत उतर जाए तो आके मुझसे मिल। मामी, कैसे पीछा छुड़ाऊं इस औरत से, और ये तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख देगी। और इसने वीडियो कैसे बना ली? और अगर इस वीडियो के बारे में घर वालों को पता चल गया तो, और मामा ने देख लिया तो? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे घर वालों ने मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा, तो ये सब करने के लिए थोड़ी कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे मामी का मुंह बंद हो जाए और ये वीडियो भी मेरे हाथ लग जाए। कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा जिससे बाजी मेरे हाथ लग जाए। चलो सोचते हैं कुछ ऐसा। और मामी जी क्या कर रही हो? क्या बनाने का इरादा है आज? ओह, तो मूड ठीक हो गया अभी आपका? बैठो बैठो। मुझे छोड़ने का भूत सर से उतर गया है या ये वीडियो दिखाऊं तुम्हारे मामा जी को? अरे कैसी बातें करती हैं आप, बस कल रात मेरा थोड़ा मूड खराब, वरना आपको छोड़ने के बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। चलो शाम को मिलते हैं आपके कमरे। कहाँ जा रहे हो? बस कुछ जरूरी काम, मिलता हूँ।
वो तुम्हारा कमरा नहीं मेरा कमरा है, और वो जो बेड है ना वो भी मेरा है, और कल तुम अपनी मर्जी से मेरे हस्बैंड के साथ गई थी और वो सब किया जो तुम साहिल के साथ करती हो। ये क्या कह रहे हो, साहिल ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ कह रही है। फूल, ये सब जो भी कुछ किया ना हमने चारों की मर्जी से किया है ना वो वाला भी? यस। और वैसे भी ये सब हाई सोसाइटी में आम बात है, इतना टेंशन मत लो। और मुझे तो यकीन करके बहुत मजा आया, चलो फ्रेश हो जाओ फिर घर चलते, और मुझे ऑफिस भी जाना है। फ्रेश हो तो अच्छा, चलो फ्रेश कर, मुझे ऑफिस भी जाना है यार। प्रिया, काफी दिन हो चुके हैं, आज हम संजय और रोमा के घर पार्टी में जा रहे हैं। देखो मुझे तुम्हारे साथ फालतू की पार्टी में नहीं जाना। तुम्हारी ना मिडिल क्लास वाले ड्रामे ना ऐसा नहीं, मत क्या करो, जो चीज हो चुका है उस चीज की आदत डाल ना तुम। हम आज जा रहे हैं मतलब जा रहे हैं, तुम जाओ रेडी हो। आपने बुलाया और हम चले आए, क्या प्लान है? जो भी आपका प्लान हो। बहुत रोमांटिक हो रहे हो आज। आज का रोमांस तुम भूलोगे नहीं। अच्छा, इतना रोमांटिक आज क्यों? बस बता के नहीं, करके दिखाऊंगा। चिल्ला जितना चिल्ला, मुझे ब्लैकमेल करेगी, मेरी वीडियो बनाएगी, आज तेरा किस्सा ही खत्म करूंगा। चिल्ला, छोड़ो भैया,
सूरज सूरज कुछ बोल सूरज मुझसे क्या हो गया अरे सूरज को तो मारने के बारे सोच सूरज सुना देखो मैं आ गया कहाँ हो मुझे कुछ नहीं पता मामा जी देख रहा हूँ तू ही तलाक है मैं अकेला मामा जी मुझे कुछ नहीं पता मामा जी मुझे सच में कुछ नहीं पता मैं तो बता दे बड़ा मैं पुलिस को बुलाऊंगा नहीं मामा जी नहीं प्लीज आप पुलिस को मत बुलाइए मामा जी सच में बताएगा मामा जी मैं आपको सब सब बताऊंगा मामा जी बताओ अरे तो पहले ये सब पता देता तो आज ये सब कुछ तो नहीं होता पुलिस स्टेशन